रिवीजन रिवीजन करा है था। कर पेज लेआउट कंप्लीट है, कुछ पूछना है? नहीं पूछना। अब इसके रहा बाद अगला जो मेन्यू है वो है रेफरेंसेस मेन्यू। रेफरेंसेस मेन्यू के अंदर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से रिबन बार पर ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले होम, होम में आपके सामने नॉर्मल ऑप्शंस रहते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन, ठीक है। इंसर्ट में क्या रहता है, कोई चीज आपको इंसर्ट करनी है, मतलब आपको एमएस वर्ड के अंदर लेकर आनी है, उससे रिलेटेड ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में मिलेंगे। और डिजाइन टैब में आपको पेज की डिजाइन से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। पेज लेआउट टैब में आपको पेज की एडिटिंग से रिलेटेड, मतलब पेज का साइज वगैरह, मार्जिन वगैरह, इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब आता है रेफरेंसेस टैब। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रेफरेंसेस टैब में आप क्या कर सकते हो, सॉरी एमएस वर्ड में आप क्या कर सकते हो, कोई भी बुक्स नोट्स वगैरह आप बनाने का काम कर सकते हो। तो अगर आप कोई बुक टाइप कर रहे हो या फिर आप कोई नोट्स बना रहे हो, उसके लिए रेफरेंसेस टैब बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए, और अदर चीज के लिए भी हो सकता है, लेकिन अगर ये चीज कर रहे हो तो मेनली इनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट इंसर्ट करा लेते हैं। मान लो ये हमारी बुक है, हमने इसमें 50 पैराग्राफ लिए, एंटर किया, ठीक है। हमारे सामने यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं 5 पेज हैं, ठीक है। आपने बुक्स देखी होगी सभी ने, बुक्स में आपने देखा होगा कि फर्स्ट पेज पर क्या रहता है, इंडेक्स रहता है। आप देखते हो कि ये वाला जो कोई भी चीज आप देखते हो, ये वाला टॉपिक इस पेज नंबर पे है, आप उस पेज नंबर को जल्दी से ढूंढ लेते हो। अगर इंडेक्स नहीं रहेगा तो अपन को ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। तो इसी तरह से आप उसको, वो इंडेक्स आप कहाँ से बना सकते हो, रेफरेंसेस टैब से, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अपने कोई नोट्स अपन यहाँ पर बना रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर के नोट्स हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं COMPUTER कंप्यूटर, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप दो तरीके से अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा पहले, यानी कि अपन को पहले बताना पड़ेगा कि ये क्या है, हमारी कोई हेडिंग है जो हम चाहते हैं इंडेक्स में आनी चाहिए, बुक के फर्स्ट पेज पर आनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और आप जाओगे रेफरेंसेस में। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एक आपको एड टेक्स्ट, आप इस पर जाकर इसको सिलेक्ट कर दोगे लेबल में, या फिर आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, होम टैब में जाओगे। होम टैब में आपको बताया था हेडिंग वन, हेडिंग टू, ये सब। तो अपन क्या करेंगे, इसको हेडिंग वन नाम दे देंगे, मतलब अपन ने इसको डिफाइन कर दिया कि ये अपनी क्या है, हेडिंग वन है, ठीक है। हाँ, ये करना जरूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो अपना टैग जो है वो शो नहीं होगा। अभी हमने रेफरेंस टैब का मान लीजिए कुछ भी यूज नहीं किया, हमने क्या किया, हमने एक हेडिंग दी, उसको हमने हेडिंग वन नाम दे दिया। अब हम इसके बाद हम कोई हेडिंग, कोई और हेडिंग लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है प्रिंटर के बारे में। मान लो ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कंप्यूटर के बारे में और यहाँ हमने लिखा हुआ है प्रिंटर के बारे में, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हम हेडिंग वन ही नाम देंगे। हेडिंग और भी आती है, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, लेकिन हम इसको हेडिंग वन ही नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारी क्या है, मेन हेडिंग है। ऐसा नहीं रहता कि मतलब आपकी एक नंबर की हेडिंग है तो आप उसको एक नंबर दोगे, दो नंबर की है तो उसको दो नंबर दोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप मेन जो हेडिंग होती है उसको अपन हेडिंग वन ही नाम देंगे। अगर जैसे कि हम कंप्यूटर के अंदर की कोई चीज बता रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा टाइप ऑफ कंप्यूटर। अब ये किसके अंदर बता रहे हैं, हम कंप्यूटर के अंदर, तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये किसकी है, हेडिंग वन की सब हेडिंग है, हेडिंग वन के अंदर है, तो हम इसको देंगे हेडिंग टू नाम, ठीक है। अगर हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर के अंदर, तो उसको हम क्या देंगे, हेडिंग थ्री नाम। अभी अपन आगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, अपन ने यहाँ पर ले लिया है कंप्यूटर, प्रिंटर, और अपन यहाँ पर कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे कि अपन कीबोर्ड ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अपन ले लेते हैं माउस, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, इसको अपन को क्या देना है, हेडिंग वन, ठीक है। इसको भी अपन को क्या देना है, हेडिंग वन, आ रहा है समझ में, अपन हेडिंग वन क्यों दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, इसको आप अगले पेज पर भेज देते हैं। इसी तरह से आप क्या करोगे, और भी हेडिंग्स इसी तरह से देते जाओगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है
सी पी यू के बारे में, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया इसको और इसको भी हमने हेडिंग बनवा ली थी। ठीक है, अभी इतना सारा सेलेक्ट हो गया तो ये पूरा ही हेडिंग बन गया। ये है, इसको ओनली सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग बन दे देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं फर्स्ट पेज पर। ठीक है, फर्स्ट पेज पर ही रहती है अपनी जो हेडिंग रहती है वो, तो अपन फर्स्ट पेज की सबसे स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे। या तो आप यहाँ से इंसर्ट पर जाकर पेज ब्रेक बताया था आपको, या तो आप यहाँ से जाकर पेज ब्रेक कर देंगे, या फिर आप क्या करेंगे कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करेंगे। ये क्या होती है, शॉर्टकट की होती है पेज ब्रेक की। तो आप देखेंगे आगे का जो मैटर है अगले पेज पर चला गया, फर्स्ट पेज जो है अपना नॉर्मल। ठीक है, अब हमने क्या किया, अभी सिर्फ हमने ओनली हेडिंग बनाई। अब हम जा रहे हैं यहाँ से रेफरेंसेस टैब में, टेबल ऑफ कंटेंट्स में। यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है रेफरेंसेस में, टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें से इन तीनों ऑप्शन में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कंप्यूटर प्रिंटर कीबोर्ड माउस सीपीयू आ रहे हैं आपके सामने, ये तीनों आ गए, मतलब जो जो अपन ने हेडिंग बनाई थी आ गई। और आप आगे देखेंगे ये जिस जिस पेज नंबर पे है आपको पेज नंबर भी शो करा रहा है। ठीक है, अब हम आपको आप देखेंगे कि इसमें कंप्यूटर लिखा हुआ ऊपर, कंप्यूटर के मतलब ये सब कैसे आ रहे हैं, लाइन से आ रहे हैं, जबकि ये कैसे आ रहा है थोड़ा सा अंदर साइड आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको अपन ने क्या दिया था, हेडिंग टू नाम दिया था, और ये सब क्या थी अपनी हेडिंग वन, इसलिए। अब इसका क्या यूज है, पेज नंबर दिखा रहा है और आपको ये शो भी करा रहा है कि ये सभी आपकी हेडिंग, मतलब कंप्यूटर जो है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, पेज नंबर दो पर, और टाइप ऑफ कंप्यूटर भी आपको पेज नंबर दो पर मिलेगा। ठीक है, प्रिंटर भी आपको दो नंबर पे मिलेगा, माउस तीन नंबर पे मिलेगा, सीपीयू के बारे में हमने किस पे लिखा है, तीन नंबर पे। अब हमें जानना है कीबोर्ड के बारे में, तो अब आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, क्या आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। ठीक है, अगर आप कंट्रोल की को दबाएंगे तो ये देखो हैंड टूल बन गया, हैंड टूल का मतलब क्या रहता है, कोई लिंक है, आप क्या करोगे माउस से इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो ये देखो आपको कीबोर्ड के ऊपर पहुंचाएंगे। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो, आ रहा है समझ में। अब जैसे कि ये तो हमने क्या, अब एक दिन में तो बुक टाइप होती नहीं, तो अब आप क्या करोगे इसको अपडेट करते जाओगे, रोज रोज आप कोई नई चीज इसमें ऐड करोगे और यहाँ पर अपडेट करते जाओगे। कैसे, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रिंटर लिखा हुआ, अब हम प्रिंटर के अंदर बताना चाहते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हम क्या नाम देते हैं, ये हमारी इसके अंदर है तो इसको हम क्या नाम दे दें, हेडिंग टू। ठीक है, या तो आप होम से जाकर इसको नाम दे सकते हो हेडिंग टू, या फिर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड टेक्स्ट, आ रहा है ऐड टेक्स्ट, इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। लेबल वन मतलब हेडिंग वन, लेबल टू मतलब हेडिंग टू। ठीक है, तो अपन इसको लेवल टू कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर तो शो नहीं हो रहा, हमने ले लिया, आप क्या करोगे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ रहा है अपडेट टेबल और यहाँ पर भी आ रहा है, ये दोनों एक ही ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें डायलॉग बॉक्स में आपको देखने को मिल रहा है दो ऑप्शन, अपडेट पेज नंबर ओनली। अगर जैसे बाई चांस आपने पेज नंबर चेंज हो जाते हैं आपके और आप ओनली पेज नंबर अपडेट करना चाहते हो, ओके कर दो, लेकिन अगर आप पूरी टेबल यानी जो अपन ने बनाई है ये पूरी अपडेट करना चाहते हो तो आप किस पे क्लिक करोगे, अपडेट एंटायर टेबल, और यहाँ से कर दोगे ओके। देखो इसमें अपन ने जो भी चेंजेस किए थे यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आप और कुछ यहाँ पर ऐड कर लेते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ और एक और कोई सा अपन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने सीपीयू लिया था, यहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्कैनर। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको क्या दे देते हैं, लेवल वन। ठीक है, लेवल वन दे दिए, अब हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइप्स ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया टाइप्स ऑफ स्कैनर्स, सिलेक्ट करेंगे इसको हम दे देंगे हेडिंग टू, लेवल टू या फिर हेडिंग टू। ठीक है, अब अपन कहाँ जा रहे हैं, सबसे ऊपर जाएंगे, अगर जैसे कि आप बहुत ज्यादा नीचे आ गए और आपको सबसे फर्स्ट वाले पेज पर जाना है, तो आप क्या करोगे कंट्रोल की को दबाओगे और इस साइड जहाँ पर डिलीट पेज और पेज डाउन बटन रहती है वहां पर रहती है होम की, होम लिखा रहता है उसके ऊपर, कंट्रोल के साथ आप दबाओगे होम तो आपको ये फर्स्ट पेज पर पहुंचा देगा, फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन पर। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इस पर को सिलेक्ट करना है, अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एंटायर सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, देखो अपडेट हो गई, पेज नंबर भी यहाँ पर अपडेट होगा। ठीक है, आया समझ में, इतने में कोई डाउट है।